हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक जितने भी एमबीए के एग्ज़ाम हुए, चाहे जामिया हुआ, चाहे एमयू और सीयूटी के, सारे एग्ज़ाम लिए गए हैं। एमबीए एलएलबी का भी लिया गया है, इसमें इंक्लूड है, और सीमैट के क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि 13 क्वेश्चंस के आसपास जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपने रेशियो अभी तक जो भी पढ़ा है, और अब जितना भी पढ़ा है उतना आपके लिए इनफ है, अभी आप खुद देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन बताइए क्या है, आपसे क्या कह रहे हैं कि 3 नंबर, जामिया का क्वेश्चन है 2023 का, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5, 3, 4, 5 के रेशियो में है। कह रहा है कि जो सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट और थर्ड, देखिए ये फर्स्ट है, ये क्या आपका है फर्स्ट, ये आपका है थर्ड। कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज मोर देन सेकेंड नंबर बाय 52, इसका क्या मतलब हुआ कि बताएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट और थर्ड का जो सम है कितना, फर्स्ट और थर्ड का सम कितना आ रहा है, 8 यूनिट। और ये बताइए, और सेकेंड नंबर कितना आपका है, 4 यूनिट। तो फर्स्ट और थर्ड का सम सेकेंड नंबर से कितना ज्यादा है कि बताएगा आप लोगों में से। फर्स्ट और थर्ड नंबर का सम सेकेंड नंबर से कितना ज्यादा है यूनिट में, भाई सेकेंड नंबर 4 यूनिट है, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, हाँ बिल्कुल राइट, फर्स्ट और थर्ड नंबर कितना है, 8 यूनिट। भाई सम ऑफ लिखा है ना, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड का सम है 8 यूनिट, सेकेंड है 4 यूनिट। तो आप हमको ये बताइए, तो ये जो सम है 2 नंबर का, ये सेकेंड नंबर से कितना ज्यादा है, कितना मोर देन है ये बताएगा, 4 यूनिट। अरे 8 यूनिट ये, 4 यूनिट ये, तो कितना ज्यादा है, 4 यूनिट, 4 यूनिट ज्यादा है ना। ये 4 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखा है, लिखा नहीं है कि सेकेंड बाई 52, कितना ज्यादा है 52, यानी 4 यूनिट की वैल्यू है आपकी 52 है। तो जरा बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13। 1 यूनिट की वैल्यू जब 13 आ जाएगी, तो क्या पूछा है आपसे, व्हाट व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर आपका क्या है, 5 यूनिट, क्या है 5 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट की 13 है, तो 5 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 13 × 5 करेंगे 65, कितना हो जाएगा 65। यानी क्वेश्चन में था कि पहले और तीसरे नंबर का सम सेकेंड नंबर से 52 ज्यादा है। तो सबसे पहले मैंने क्या चेक किया, सबसे पहले मैंने क्या चेक किया, सबसे पहले मैंने ये चेक किया कि फर्स्ट और थर्ड नंबर का सम सेकेंड नंबर से कितना ज्यादा है, यूनिट में कितना ज्यादा है। तो आपने देखा ये 8 था, ये 4 था, 4 यूनिट था, 4 यूनिट की वैल्यू 52, 1 यूनिट की वैल्यू 13, 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 65। सेकंड मेथड में क्या कर सकते थे आप, सबसे लार्जेस्ट नंबर जो भी होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, क्या होगा 5 का मल्टीपल, यानी ऑप्शन जो भी था वो 5 से कट जाता, बिना देखे डायरेक्ट आंसर था, ये सब लगाने की जरूरत नहीं। भाई सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 5, 5 यूनिट, 5 से डिविजिबल होगा, और एक ही ऑप्शन था, मैं अपने मन से ऑप्शन नहीं दिया हूँ, ये जामिया के सीट का जो है ना आंसर, उसमें आंसर दिया था। तो बिना सॉल्व किए डायरेक्ट 5 के मल्टीपल से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। अब आपको गेस हो रहा होगा कि मल्टीपल की क्या वैल्यू है, जो मैं बार बार बोलता हूँ इसका मल्टीपल उसका मल्टीपल, ऐसे नहीं बताया जाता। देखिए अब आपके, अब समझ में आएगी नहीं आपको, 5 के मल्टीपल को देख करके आप डायरेक्ट आंसर कर सकते थे, वो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 65 ना, ठीक है 65 हो जाएगा। यहां तक किसी कोई डाउट तो बताएं, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, किसी कोई प्रॉब्लम बताइए। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, नहीं तो इसमें क्या कर सकते थे आप, एक बार फिर से देखिएगा कि आपको क्या करना था, फर्स्ट और थर्ड का सम कितना बनना था, 8 यूनिट, और सेकंड से सेकंड यूनिट, सेकंड वाला नंबर 4 यूनिट है, कितना ज्यादा है 4 यूनिट, डिफरेंस कितने का है 4 यूनिट का, और 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 52, 1 की 13 आएगी तो 5 की कितनी आ जाएगी 65, तो 65 मेरा आंसर हो जाएगा। एक चीज हम लोग और देख सकते थे, 5 का मल्टीपल देख करके आंसर कर सकते थे डायरेक्ट, 5 का मल्टीपल देख कर सकते थे, ठीक है। मुझे लगता है पहले वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा,
कह रहा है कि द स्पीड ऑफ 3 कार्स इन द रेशियो 5:4:6 है ना, 4:5 द टाइम का रेशियो पूछा है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, जाहिर सी बात वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है ना। क्या बताया था मैंने, अगर स्पीड का रेशियो क्या है आपका 5:4:6 तो टाइम का रेशियो क्या होगा अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, सबको याद है रेसिप्रोकल होता है, 1/5 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6, क्या आंसर आना चाहिए, 4:5। देखिए मैं यहाँ पहले 2 को चेक करूं तो कितना आ रहा, 4:5, कौन सा ऑप्शन आ रहा है सभी लोगों का, डी आ रहा है, कितना आ रहा है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज राइट आंसर ना, डी ऑप्शन सभी लोगों का डी आ रहा है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका, यहीं से चेक करना, लगाना नहीं है, यहीं से चेक हो जाता है 2 को चेक करके। तो देखिए जो कराया गया वही आ रहा है एग्जाम में, आप ऐसे भी कर सकते थे ना, अगर आप क्या करते 5:4:6 का एलसीएम लेते है ना, कितना आता निकाल लेते तब भी आसानी से आ जाएगा, 5:4:6 का एलसीएम ले लीजिए कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5:4:6 का एलसीएम ले लीजिए, कैसे सॉल्व करते 60 फाइव, अब सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, अभी डायरेक्ट करिए 60 को 5 से डिवाइड कर दीजिए कितना आएगा 12, 4 60 को 4 से डिवाइड करिए 15, और 60 को 6 से डिवाइड करेंगे 10, ये भी बताया हूँ मैं, तो दोनों तरीके से डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो आप 4:5 को देख करके भी आंसर कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे, मुझे लगता है इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एमयू का क्वेश्चन था 2022 या 23 का होगा। सी मैट का क्वेश्चन देखिएगा, ये सी मैट में पूछा है, तो आप परसेंटेज का यूज है, क्या कह रहा है कि टॉम्स की सैलरी 150% जो है जॉन की सैलरी का है, ऑफ जॉन सैलरी, और जॉन की सैलरी है 80% ऑफ द स्टीव सैलरी एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ इतना। देखिए 3 लोग हैं, क्या क्या नाम है, एक का नाम टॉम्स है, एक का नाम क्या है, कोई भी ले लीजिए, एक जॉन है और एक आपका क्या है, तीसरा वाला क्या नाम है, ये स्टीव, कह रहे हैं व्हाट इज द रेशियो बताइए, जॉन की सैलरी 80% है स्टीव की, अगर मैं इनकी 100 मान लेता हूँ सैलरी अगर है लास्ट वाले की, कोई बताएगा जॉन की सैलरी कितनी होगी, जॉन की सैलरी स्टीव की सैलरी का 80% है, अगर ये 100 है तो जॉन कितना है, 80% है, 180% नहीं, ज्यादा नहीं कहा है, 80% का है, दीपाली गलत क्यों कर रहे हैं आप, आपसे कहा है ना जॉन की सैलरी इज 80%, 100 का 80% करिए कितना आएगा, 100 का 80% कितना होता है, 80, हाँ 80 आ जाएगा, हाँ बिल्कुल। अब देखिए टॉम्स की सैलरी क्या है, इसका 150%, 150% बताइए कितना होगा, किसी को पता है, परसेंटेज जब पढ़ाएंगे समझ में आ जाएगा, 150% अगर 80 का निकालेंगे कितना आएगा, सबको पता है ना इसे निकाल, परसेंटेज कैसे निकालते हैं जानते होंगे आप लोग, 15 8 जा 120, सबका निकल गया ना 120, 80 और 100, क्या रेशियो पूछा, कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनकी और लास्ट वाले की और टॉम का रेशियो बताना, बता लीजिए टॉम से लास्ट वाला ये है, तो पहले इसको 0 से 0 कैंसिल कर लीजिएगा, 2 5 जा और 2 6 जा, तो 5:6, 6:5 मत लगा दीजिएगा, ये देखिए लगा दिए ना, पहले किसका नाम लिया है, पहले नाम लिखा व्हाट इज द रेशियो ऑफ, इसका नाम लिया है तब जॉन का लिए, तब टॉम का लिया है, तो सबसे पहले स्टीव की सैलरी लिखिए तब टॉम का लिखिए ना, उल्टा मत कर दीजिएगा ना, पता गलत हो जाएगा, देखिए कितना बारीकी से आंसर दिया था, 5:6, 6:5 भी दिया था, तो किसका रेशियो निकालना है ये भी ध्यान देना है, सब लोग गलत किए हैं, सौरभ बोल रहे हैं कि ये है ना, फंसा दे रहा, थोड़ा सा दिमाग लगाया ना, उसने पहले स्टीव की सैलरी लिखी तब जो, अगर ऐसे पूछता कि टॉम की सैलरी और स्टीव की सैलरी का क्या रेशियो होगा तो 6:5 होता, उल्टा पूछा है, ये बताइए जॉन और टॉम में क्या रेशियो होगा, निकल जाएगा जॉन और टॉम का क्या रेशियो होगा, सबका निकाल लीजिएगा, अरे 80 120 का रेशियो निकाल लेंगे ना, 0 0 का 4:3, हाँ 4:3, जॉन और किसका निकालना है, टॉम का निकाल, 80 और 20 निकलेगा ना, निकल नहीं जाएगा, 0 0 कैंसिल और 4 2 जा 4 3 जा आ जाएगा ना,
समझ में नहीं आ रहा, फिर से देख लिए, परसेंटेज का क्वेश्चन है ना। हमने मान लिया है कि स्टीव की सैलरी 100 है, जॉन की सैलरी, अगर आप, मैं आपसे कहूँ आपके पास आपकी सैलरी है 100 रुपये है, मेरी आपकी 80% है, तो मेरी कितनी है? 100 का 80% करेंगे तो 80 रुपीज तो आएगा। फिर मैं कहूँ कि जो टॉम्स की सैलरी है जॉन का 150% है, 150% का मतलब समझते हैं, 80 × 150/100, यानी अगर जॉन की 80 है तो टॉम की कितनी आ जाएगी? 120। फिर आपसे रेशियो पूछ लिया, किसका पूछा? स्टीव और जो टॉम्स का रेशियो पूछ लिया। पहले स्टीव की सही लिखेंगे 100 और टॉम की लिख लेंगे 120, रेशियो निकालेंगे 5:6। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, सभी लोगों को आ गया? परसेंटेज जब पढ़ाऊंगा ना तो और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। मैंने आपसे क्या कहा था कि परसेंटेज का यूज भी होता है। इसको बताइए, सी मैट का क्वेश्चन है, एक्स वाई का रेशियो, या ये बहुत पूछता है एक्स वाई का रेशियो, ये जरा बताइए इनका रेशियो क्या होगा? कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू 2 ले लो, वाई की ले लो 3, पुट कर दो यहीं पे, 3 × एक्स की जगह क्या लिखेंगे? 2 प्लस 2 × वाई, वाई की जगह 3, ये हो गया रेशियो 2 × एक्स, एक्स की वैल्यू 2 और प्लस 5 × 3, तो 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6, 6 + 6 करेंगे 12, रेशियो 2 × 2 = 4 प्लस 5 × 3 = 15, तो 4 + 15 करेंगे 19, 12:19 मेरा आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? ये वाले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक्स वाई का रेशियो दे दिया 3x + 2y, रेशियो 2x + 5y, एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 3, इसी में पुट कर दीजिए दोनों में, सॉल्व कर लीजिए, हाँ इजिली तरीके से आंसर इसको फाइंड आउट कर ले जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हाँ देखिए, अब कोई कह रहा है इतना ईजी आता है सर, इतना ही ईजी आता है, अभी देखिए अभी आप लोग और कहेंगे क्या आया है, किसको बताइए, किसको बताइए, कोई बताएगा इसको? आप में से कौन बता सकता है? दो तरीके से लगा सकते हैं, ऑप्शन से भी लग सकता है। कह रहा है कि जून 2020 में बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो था कितना था? 3:2 था, ठीक है। कह रहा है कि जब देर वर 80 बॉयज और 20 गर्ल्स जो है चली गई, कम कर दी गई, कम करने से सितंबर में फिर कम कर दी गई, जिसकी वजह से, ये तो जून की बात है, सितंबर में क्या हुआ कि 80 बॉयज और 20 गर्ल्स को कम कर दिया गया, जिससे रेशियो 80 गर्ल्स को कम किया गया है, शॉर्ट किया गया है, और बॉयज को शॉर्ट किया गया 20, जिसकी वजह से रेशियो 7:5 हो जा रहा है। तो कोई बताएगा? आपसे पूछा है कि जून 2020 में, ये जून 2020 की बात है, शुरू में कह रहा था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे, क्या थे, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज इन द जून 2020 में। तो जून 2020 नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होगा 3 + 2 5 का मल्टीपल होगा, लेकिन 5 तो सभी कर रहे हैं तो मल्टीपल से तो नहीं लग पाएगा। एक तरीका और है, क्या तरीका है कोई बताएगा? ये जो बात कह रहा है ना कि 80 बॉयज कम कर दिए गए, 20 गर्ल्स कम कर दी गई, तो रेशियो 7:5 हो जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ है अगर जून में 1300, मान लेते हैं जून में जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी स्टूडेंट जून के अंदर हैं, अगर इसमें से 80 बॉयज 20 गर्ल्स का मतलब 100 लोग, अगर मैं 100 माइनस कर दूं, तो जरा बताइए वो किससे डिवाइड होना चाहिए, कोई बताएगा? सभी लोगों के लिए चैलेंज है ये, अगर मैं 100 माइनस कर दूं तो किससे डिवाइड होना चाहिए वो? वेरी गुड वेरी गुड, किससे? 12 से, बिल्कुल राइट। यानी कि भाई अगर 100 लोग कम करने के बाद 7:5 का रेशियो हो रहा है, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे उसमें से 100 माइनस कर दिया जाए तो 12 से डिवाइड होना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको अगर 100 माइनस कर दिया जाए तो 12 से डिवाइड हो जाएगा? डी ऑप्शन। देखिए ये होता है मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट। मैंने आपसे कहा था ना, जब मैं पढ़ा लूंगा और जब आपको मैं बताऊंगा तो आप खुद एनालिसिस करेंगे कि कितना अच्छा था आपके लिए ये कॉन्सेप्ट, है ना। देखिए 900 तो भाई नहीं कटेगा, 1200 नहीं कटेगा, है लेकिन एक बात है, एक प्रॉब्लम है, कहाँ से,
पूछे क्या ऑप्शन से तो आ जा रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है क्योंकि ऑप्शन कौन सा मिल जा रहा है। डी ऑप्शन तो आप लोगों ने लगा दिया, लेकिन एक बात यह भी है कि ए ऑप्शन भी क्या कैंसिल नहीं हो रहा है। ए ऑप्शन भी देखिए कैंसिल हो जा रहा था 12 से, ए ऑप्शन भी कैंसिल हो जा रहा था। तो ये तो चला गया था, ये चला गया था, ये ए और डी आ गया था, जिसकी वजह से या तो ए और डी में। अच्छा वेरीफाई कर लेते आप, वेरीफाई कर लेते। कैसे वेरीफाई करते? मान ले दो ऑप्शन आ गया, आप क्या करते? कुछ नहीं करना था, आप मान लेते कि भाई 1 ही 1,000 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ से 3, 2, 5 यूनिट की वैल्यू 1,000 है, एक की निकाल करके गर्ल्स और बॉयज निकाल देते, बॉयज में से 80 माइनस करते, गर्ल्स में से 20 माइनस करते, जो आता रेशियो निकालते, अगर 7, 5, 4 तो सही, नहीं तो गलत, वेरीफाई हो जाता। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? दो ऑप्शन जब मैच किया, हम मान लेते 1,000 ही बॉयज थे, 1,000 टोटल थे, तो 3, 2, 5, 5 यूनिट की वैल्यू 1,000, एक की 200, इसका मतलब बॉयज हो गया 200 × 3, 600 लड़के हो गए और 400 गर्ल्स हो गई। इसमें से कह रहा है कि 80 माइनस करिए, इसमें से 40 माइनस करिए, जो आए उसका रेशियो निकालिए, 7:5 आना चाहिए, काम खत्म, वेरीफाई कर लो। ये सब सीखिए, लगाना जरूरी थोड़ी बार बार, ये सब सीख लेंगे बहुत ही, जान लीजिए आपको बेनिफिट होने वाला है। कह रहे 12 कैसे, अपॉन में 12 कैसे आ गया? 12 कैसे मतलब कहाँ 12 कैसे आ गया? ये 12, 7 × 5 दिया था ना टोटल, मैं ये कहता 12 का मल्टीपल होना चाहिए। अंकित कुमार, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही पढ़ा दिया है कि कैसे क्या किया जाता है, आप रेशियो की जाके क्लास देखिए तो मालूम चलेगा, आप पहली बार अगर आए होंगे तो नहीं मालूम चलेगा, सारी क्लासेस देखिए तब आपको समझ में आएगा। आपको यहाँ पे इसलिए नहीं समझ में आ रहा कि आपने क्लासेस नहीं देखी, जिन्होंने क्लासेस देखी हैं, जिन्होंने कॉन्सेप्ट को समझा है, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि चीज़ें क्या चल रही हैं रेशियो के अंदर। ठीक है, आप में से कोई भी चीज़ प्रॉब्लम पूछ लीजिएगा तो ठीक है, दोनों में से आपका डी ऑप्शन आ जाए, राइट आंसर, आप चेक कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है 1300 1200 आंसर, इसका 1300 आंसर था, हाँ डी ही आया है। ठीक है, अगला देखिएगा, इसको बताइएगा। अब देखिए सीयूटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, सीयूटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, जरा इसको देखिएगा। तो सीयूटी वाले, सीयूटी पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन द थ्री एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल समझते हैं। देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन, इससे वैसे तो मैं कहूंगा ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना, ये रेशियो के अंदर मैंने आपसे कहा था ना कि रेशियो का यूज करके जो है, रेशियो का यूज करके जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, रेशियो का यूज जो है ज्योमेट्री वगैरह में होता है। इधर देखिएगा, कह रहा है कि रेशियो बिटवीन थ्री क्वाड्रिलेटरल, देखिए तीन एंगल का रेशियो दे रखा है, चार एंगल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब चार एंगल होते हैं, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सीयूटी का क्वेश्चन है। मान लेते हैं ए बी है, ये सी है, डी है, चारों एंगल का जो सम होता है ना टोटल, वो होता है 360 डिग्री। कितना होता है ये? 360 डिग्री होता है, अगर आपने पढ़ा होगा कि क्वाड्रिलेटरल के फोर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। आपसे कह रहा है कि फोर्थ एंगल इतना है, तो बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल का डिफरेंस क्या होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिएगा ये बताइए, अगर फोर्थ एंगल 88 डिग्री है तो जो तीन एंगल्स बचे उनका सम कितना होगा? मैं पूछूं ए बी सी का सम कितना होगा, अगर डी कितना है 88, तो 88 माइनस कर देंगे तो हमको तीनों एंगल का सम पता चल जाएगा। 360 माइनस 88 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? कोई बताया कितना आ रहा है? 272 आ रहा है ना, 272 आ गया। ए बी सी का रेशियो कितना है? 349, तीनों एंगल का रेशियो दे रखा है, टोटल तीनों एंगल का सम 272 है, रेशियो में 3, 4, 7, 9, 16, 16 यूनिट बन रहा है टोटल, और यहाँ पे दे रखा 272, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17। कितनी आ जाएगी एक यूनिट की वैल्यू? 17। जब 1 यूनिट की वैल्यू 17 आ गई तो काम खत्म हो गया आपका। आप ये बताइए लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस कितना आ रहा है? 9 माइनस 3 करिए 6,
तो 1 की 17, तो आप जान लीजिए कि 17 का मल्टीपल आंसर हो जाएगा, डैड कर सकते हैं आप। तो यहाँ से अगर आपको लार्जेस्ट 9 है, स्मॉलेस्ट 3 है, 9 माइनस 3 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 102। किसी कोई डाउट? ये भी आसान था भाई, 4 एंगल का सम 360 होता है, 3 ही एंगल का रेशियो दे रखा था। तो पहले मैंने ये निकाल लिया कि तीनों एंगल का सम कितना है, 88 माइनस करके, रेशियो मुझे पता है, तो 439 + 437 + 9 16, 16 की वैल्यू 272, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लिया 17, आंसर 17 का मल्टीपल होगा, टिक किया आगे चला गया। अगर सॉल्व करना चाहते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपकी 17 है, लार्जेस्ट आपका 9 है, स्मॉलेस्ट 3 है, 9 माइनस 3, दोनों का डिफरेंस पूछा है ना, डिफरेंस पूछा, तो 9 माइनस 3 6 यूनिट की वैल्यू पूछा था, तो 1 की 17, 6 की 102। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? और सर ऑप्शन से डायरेक्ट डिफरेंस का मल्टीपल भी थे, लेकिन 6 से, हाँ ये भी कर सकते थे, तो 6 से कोई कैंसिल नहीं हो रहा था क्या? लेकिन 6 से, आप तो रास्ता ही कह रहे थे अगर आप डायरेक्ट देखते, लेकिन एक चीज यहाँ पे दिक्कत थी ना, हमको ये देखना था कि लार्जेस्ट एंगल कौन बन रहा है। वैसे अगर आप यही चेक करते ना, 9 माइनस 3 6 का मल्टीपल, तब भी आपका काम चल जाता। चलिए अब देखते हैं क्या बचा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये सीवीटी का पहला क्वेश्चन था, इसको देखिए। देखिए सीवीटी मेरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आया था, अब की बार देखिएगा, अब की बार क्या कह रहा है, द सेकेंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल, सेकेंड लार्जेस्ट माने कोई ट्राइंगल है ए बी सी। देखिए ज्योमेट्री के टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें से कह रहा है जो सेकेंड दूसरा सबसे बड़ा एंगल है, सेकेंड लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में जो रेशियो दे रखा है वो 6:5 दे रखा है। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड लार्जेस्ट एंगल एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 9 डिग्री। कितना दे रखा है, 9 डिग्री। कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंगल एंड लार्जेस्ट एंगल, ये बताएगा कैसे लगाया जाए। सबसे पहले ये निकाल लीजिए कि ये दो एंगल हैं, सेकेंड लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, कितने कितने डिग्री के हैं। आपको दे रखा है कि सेकेंड लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल का डिफरेंस 9 यूनिट है, 9 डिग्री है। तो सेकेंड लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में जो डिफरेंस है कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 9 डिग्री। तो कोई बताएगा कि सेकेंड लार्जेस्ट यानी 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, सेकेंड लार्जेस्ट एंगल कितने हो जाएगा, 54 डिग्री का, और स्मॉलेस्ट एंगल कितने का हो जाएगा, बताएगा स्मॉलेस्ट एंगल 5 यूनिट है, तो स्मॉलेस्ट एंगल कितना हो जाएगा, 5 9 = 45। अगर स्मॉलेस्ट एंगल 45 है, सेकेंड लार्जेस्ट 54 है, तो लार्जेस्ट एंगल कितने का होगा, कोई बताएगा? तीनों एंगल का सम ट्रायंगल के कितना होता है, 180 डिग्री। दो निकल गया है, तीसरा निकाल नहीं ले जाएंगे, आसानी से निकाल ले जाएंगे ना। 180 में से क्या करिए, माइनस कर दीजिए दोनों को सम, दोनों को ऐड करिए, 99। कितना आ जाएगा, 81 डिग्री। जब सबसे बड़ा एंगल निकल गया तो आपसे पूछा है का डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, तो स्मॉलेस्ट है 45, लार्जेस्ट है 81, डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 36। ये देखिए आपका सीयूटी का क्वेश्चन है, क्या दिक्कत आप लोगों को बताइए, सारे चीज वही घुमा रहा है ना, बस इसमें थोड़ा सा ट्रायंगल का दे दिया है, तो ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम होता है, क्वाड्रिलेटरल वाला दिया वहां पर भी बस चारों एंगल का सम 360 होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो हम लोग दोनों तरीके से यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, ये बताइए इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? तो इस तरीके से ये सीयूटी के क्वेश्चन हैं, ये सीयूटी एमबीए के ऐसे ही पूछेगा आपसे। हाँ सीयूटी मिलाकर के पूछता है, रेशियो डायरेक्ट नहीं पूछा, देखिए सब पूरे रेशियो में डायरेक्ट नहीं पूछा, ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिया है। किसको बताइए सभी लोग, ये भी सीयूटी का क्वेश्चन है, बताइए। कह रहा है कि 1820 को डिवाइड करना है एबीसी में, ए का शेयर कितना है, द शेयर ऑफ ए इज 2/5 ऑफ, कहाँ लिखा ना, ए का जो शेयर है वो
फिफ्थ है कंबाइंड ऑफ बी और सी, ये दिया हुआ है। बताइए कितना शेयर होगा, बताइए। ए इक्वल्स टू 2/5 बी प्लस सी, तो पूछा है देन ए गेट्स, ए को कितना मिलेगा, ए को कितना मिलेगा, सभी लोग बताइए क्या आना चाहिए। इसका मतलब ये है ए रेशियो बी प्लस सी, ये दिया हुआ है कितना 2:5। बात समझ में आ रही कि नहीं, तो पूछा ए को कितना मिलेगा, ये बताइए टोटल कितना मिल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी सबको ऐड करिए, सबको ऐड करिए प्लस बी प्लस सी, तो ए तो 2 है बी प्लस सी 5 है, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो टोटल 7 यूनिट, और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1820। कुल पैसे कितने आपके पास है 1820, 1 यूनिट की निकाल लीजिए 260 आ जाएगी, 260। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 260 है तो ए का शेयर कितना 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 260 से मल्टीप्लाई 520। बताइए यही सब क्वेश्चन पूछता है, देख लीजिए सीयूटी में क्या पूछता है, यही सब ऐसे ही आएगा एग्जाम में, देख रहे हैं कुछ है इसके अंदर, कुछ नहीं था। ए दिया था बी प्लस, तीनों का सम 1/2, 0 एक के निकाल के 2 निकाल दीजिए, क्या आपको रेशियो में नहीं कराया गया है D72, D72। कराया ना, वही मैं कह रहा था कि इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना, तो जो कराया जा रहा है इनफ है आपके लिए, आपको अदर कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में किसी कोई प्रॉब्लम है बता दीजिएगा, कोई डाउट है, ये देखिए जल्दी से बताइए, अभी एग्जाम का क्वेश्चन है, भी लग जाएगा ना, अभी कुछ नहीं करना, देखिए ए अपॉन बी, ये भी सीयूटी का, ए अपॉन बी, ए और बी का रेशियो दे रखा है 4:5, आपसे दिया है बी और सी का रेशियो, कितना दे रखा बी और सी का रेशियो, दे रखा है 15 और 16। क्या करना, देखिए बी कॉमन है ना, बी को इक्वल कर लीजिए, याद है ना पहला रेशियो कौन से है, पहले एबीसी का रेशियो निकालने जा रहे हैं हम लोग, क्या करने जा रहे हैं, ए रेशियो बी रेशियो और सी निकालने जा रहे हैं, तो बी को कॉमन को इक्वल करिए, यहाँ बी 5 है, यहाँ बी 15 है, तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले वाले में, जल्दी बताइए 3 4 12, पहली क्लास 3 4 12, 3 5 15, और सी तो आपका दिया हुआ है 16, ये रेशियो निकल गया, क्या पूछा है, ये तो निकल गया, कैंसिल नहीं, आप क्या कह रहे हैं C² - A² + C² + A² ये दे दिया है, इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, देखिए C² - A² क्या होता है जानते हैं क्या है, जब हम लोग एलजेब्रा वगैरह पूरा पढ़ लेंगे ना, वो सारा का यूज इसने करवा दिया है, जब पूरी क्वांट पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा, C² - A² क्या होता है, C + A एक ब्रैकेट में, C - A एक ब्रैकेट में, इसलिए करते हैं कि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाए, कर लीजिए C - A, देखिए C है 16, A है 12, 16 में से 12 माइनस करिए 4, C है 16, A है 12, ऐड करिए 28, अपॉन C का स्क्वायर करिए, 16 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 256, और प्लस A का स्क्वायर करेंगे 12 का स्क्वायर करिए 144, तो 4 × 20 28 अपॉन, दोनों को ऐड कर लीजिए कितना जाएगा 2 300, कितना आ जाएगा 400 ना। सबसे पहली बात है कि इसमें चीज बताइए, सबसे पहले बताइए आप क्या इसको सॉल्व करेंगे, आप डायरेक्ट देख रहे हैं कि 7 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि लास्ट में इसमें 7 पाया जा रहा है, नीचे 7 कैंसिल नहीं हो रहा, तो जहां पे न्यूमरेटर में 7 होगा मेरा आंसर हो जाएगा, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं या यहीं छोड़ करके फिर लगा सकते हैं, तो आप देख रहे हैं कि 7 के मल्टीपल को देख करके भी क्वेश्चन सही है, अरे 4 जाए यहाँ 10 हो जाएगा है ना, सॉल्व कर लीजिएगा, कहीं गलती तो नहीं होगी, 400 है ना, सॉरी 400, सॉल्व कर लीजिएगा, तो कैंसिल करेंगे 100 आएगा, और कैंसिल कर लिए 4 7 या 28, इसको कैंसिल करेंगे 4 से 25 आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, हाँ डायरेक्ट AC की वैल्यू निकालने की,
डायरेक्ट नहीं, देखिए इसमें डायरेक्ट कैसे निकाल पाएंगे, एबीसी है, बीसी तो आपको पहले एबीसी का रेशियो निकालना पड़ेगा, तो वहां से डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ वैसे भी है ना, क्या बाउंस किया, इसमें कुछ बाउंस करने की जरूरत नहीं। देखिए एबीसी का रेशियो तो आप निकाल ही ले जाएंगे ना, इतना निकाल ले जाएंगे तो पहले बताया जा चुका है, तो आपको क्या करना, सी का स्क्वायर, सी की वैल्यू 16, 16 का स्क्वायर कर लीजिए, ए की स्क्वायर बाय कितना 144, इसका करिए माइनस कर दीजिए अगर ये फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं तो। सब पता है, सी पता है, ए पता है, बी पता है, निकालना यही तो है। सी का स्क्वायर 16 का स्क्वायर करिए, माइनस कर दीजिए एक स्क्वायर से, जो आएगा वो लिख लीजिए ठीक है, अपॉन फिर सी का स्क्वायर करिए 16 का स्क्वायर, तो उसमें ऐड करना है ए का स्क्वायर बस। अरे ए बी दिया है, बी सी दिया है, बी सी निकाल लीजिए, जो कह रहा है वहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए बस, एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से कर लीजिए। एक आध मिनट 10 सेकंड 30 सेकंड ज़्यादा लगेगा और क्या लगेगा, ठीक है लगता कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, ए बी सी पता है यहाँ पे रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ये तो बहुत आसान काम है, बस तो खाली लगाना है ये सर। देखिए मुझे लगता है जामिया किसी का क्वेश्चन है, इसको लगाइए सभी लोग। इसको कौन लगाएगा, टोटल देखिए कह रहा है कि टोटल सैलरी दे रखी 350 एबीसी की, ए ने 75% खर्चा कर दिया, बी ने 80% खर्चा कर दिया, सी ने 56% खर्चा कर दिया, जिसकी वजह से ए के पास सेविंग 10 यूनिट है, बी के पास 12 है, सी के पास 33 है, सी की सैलरी क्या है। सबसे पहले हमको ये बताइए, सबसे पहले हमको ये बताइए, अगर ए ने 75% स्पेंड कर दिया है तो कितना उसके पास बचेगा, जल्दी बोलो कितना बचेगा, 25%, कितना बचेगा 25%। अगर ए के पास 25% बच रहा है तो और बचा कितना है 10, 25% की वैल्यू 10 है और सैलरी आपस में होती कितनी है 100%, जरा बताइए इसकी सैलरी कितनी है, 100% निकाल लीजिए कितनी आ जाएगी, कितना आ जाएगी, 25 की वैल्यू 10 है तो 100 की वैल्यू बताइए, यूनिटी मेथड 40 यूनिट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 40 निकाल लीजिए। इसी तरीके से बी अगर 80% खर्च कर दे रहा है तो उसके पास सेविंग कितने की होगी, 20% की, तो 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, कोई बताएगा 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुना हो रहा है ना, ये भी 5 टाइम्स यूनिटरी मेथड 60। इसी तरीके से ये बताइए सी अगर 56% स्पेंड कर दे रहा है तो बचाएगा कितना 44, तो अगर 44 बचाएगा और उसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 33, तो 100 की बताइए कितना होगी, यूनिटरी मेथड 11 फोर जा 11 थ्री जा 4 से 100 जाने में 25 टाइम, यूनिटरी मेथड यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई 75 आ गया ना, सब निकल गया। तो ए का आया 40, बी का आया 60 और इसका आया 75, सबको बताइए कितना आ रहा है ऐड करने पे, सबको ऐड कर लीजिए कितना आ रहा है, सबको ऐड करिए 40 60 100 175 175 टोटल आ रहा है, टोटल दे कितना रहा है 350, तो 175 की वैल्यू 350, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 गुना 2 आ जाएगी, किसका निकालना है सैलरी, सी का, सी की सैलरी आई कितनी है 75, तो 1 की 2 तो 75 की निकाल लीजिए। ये जामिया का है या किसका देखना पड़ेगा। हाँ, सैलरी 100% लेना है, वेरी गुड, हाँ वही बता रहा हूँ, 100% ले, खत्म कर दिए क्वेश्चन, हो जाएगा। हाँ फिर से बता दें क्या, इसको इसको फिर से बता दें कि हो जाएगा, इसलिए कहा हूँ ना कि यूनिटरी मेथड वगैरह पढ़ लीजिए। देखिए मैंने यूनिटरी मेथड से जल्दी जल्दी किया है, तुरंत आ गया। देखिए क्या था, 75% स्पेंड कर रहा था, ये सैलरी उसकी कितनी बचेगी 25%, 25% सेविंग की वैल्यू है 10, 25% की वैल्यू 10 है, तो 100% की वैल्यू 4 टाइम 40, 80% अगर आप स्पेंड कर देते हैं, 20% आप सेव करते हैं, सेव कितना करते हैं आप 12, तो
तो 20% की वैल्यू 12, 100% की वैल्यू 60। 56% खर्च कर देते हैं, 44% बचाते हैं, बचाते कितना है 33। 44% की वैल्यू 33, 100% की वैल्यू निकालिए। क्या करेंगे, 11 4 जा 11 3 जा, 4 × 25, 3 × 25, यूनिटरी मेथड 75। सबको ऐड कर लीजिए 175 यूनिट, और दिया है 350 टोटल मिला करके तीनों की सैलरी का सम। तो 175 यूनिट की वैल्यू 350, 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ जाएगी, सैलरी सी की है 75 तो उसकी आ जाएगी 120। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए ए की सैलरी कितनी है, जल्दी बोलो, ए की सैलरी, ए की सैलरी कितनी, सभी लोग आंसर बताइए। लीजिए एक ही लोग बता रहे हैं, ए की सैलरी कितनी है, और कोई? अफसर सईद आप बताइए, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आसमी सिन्हा होना आप लोगों को नहीं आ रहा है क्या, ये बताइए ए की सैलरी कितनी हो जाएगी। 80 आ जाएगी ना, हाँ बल बिल्कुल 80 आ जाएगी, 40 40 × 2। बी की निकालना होगा तो कितनी, 60 × 2, 120 है ना, डायरेक्ट निकल जाएगा। चलिए कितने क्वेश्चन बच गए, ये तो भी बहुत है। अभी फिर से आ जाइएगा, चलिए इसको बताइए, इसको बताइए, कह रहा है ये भी देखिए जामिया का क्वेश्चन है, कह रहा है जो कॉस्ट है, कॉस्ट है वो कह रहा है जो वेट है ना उसका डायमंड का, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है। लिखे ना डायमंड वेरीज डायरेक्टली, द कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरी डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट वंस इट द डायमंड। डायमंड क्या हुआ कि वो तीन पार्ट में टूट गया, डायमंड आपका क्या था, वो थ्री पार्ट्स में कह रहा है कि ब्रेक हो गया है, कितने नहीं, फोर पार्ट्स में ना, फोर पीसेस में ब्रेक हो गया। तो अब फिर वो क्या करता है, उनको अलग अलग सेल करता है जिसकी वजह से उसको 70,000 का लॉस हो जाता है। तो पूछा जरा बताइए कि ओरिजिनल प्राइस क्या था, ये आपसे पूछा है कि उसका ओरिजिनल प्राइस क्या था। देखिए आपके पास एक कुछ कह रहा था ना, अभी रिपीट कर दे रहा हूँ, आपसे कह रहा था आपके पास एक बहुत बड़ा डायमंड है, डायमंड देखे नहीं आप लोग, आप लोग में से डायमंड देखे नहीं, देखिएगा, हाँ देखे है ना, चलिए ठीक है, इसको बताइए। चलिए ये डायमंड था, कह रहा था कि जानते क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये था कि जो ब्रेक नहीं था, जो उसका कॉस्ट है, जो उसका वेट है उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग में मिलेगा, जो भी उसका वेट होगा उसके स्क्वायर का रेशियो जो होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा। ये बताइए अगर एक डायमंड को आपने मान लिया आपने जमीन में पटक दिया, उसको वो चार पार्ट में टूट गया, तो कह रहा जो पीसेस बने हैं ये 1:2, 2:2, 3:4 के रेशियो में ब्रेक हो गया। अगर मैं किसी से पूछूं कि पहले डायमंड कितने यूनिट था, बताइए सभी लोग, तो पहले जो डायमंड था जब सही सलामत था तो कितना यूनिट था वो, 10 यूनिट, बिल्कुल राइट। तो 2 1 + 3, 3 6 + 4, सबको ऐड कर दो ना, पहले जब आपका डायमंड ब्रेक नहीं था वो 10 यूनिट था, क्या 10 यूनिट था, उसका वेट, अगर उसका वेट 10 यूनिट था तो जरा बताइए उसका कॉस्ट कितना यूनिट रहा होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका कॉस्ट कितना रहा होगा, कितना यूनिट रहा होगा, बिल्कुल बात, उसका स्क्वायर बोला है 100 यूनिट, क्या बोला है 100 यूनिट, क्योंकि कॉस्ट जो है वेट का स्क्वायर का रेशियो होता है, दिया हुआ है। कितनी चीज समझ में अगर आपको आ गई है तो आप बताइए, अब उसने क्या करा, यानी पहले अगर वो बेचता तो 100 यूनिट में बेचता। अच्छा ये बताइए अगर अब वो सेल करे, मान ले चार पार्ट में टूट गया, अब सबको अगर सेल करेगा तो कितना कितना कॉस्ट पड़ेगा, अगर ये तो वेट का रेशियो है ना, कोई बताएगा कॉस्ट का रेशियो क्या आएगा, अगर आप देखा जाए तो इसका स्क्वायर करिए 1, इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर करिए 3 3 9, और इसका स्क्वायर कर दीजिए 16। तो अगर मैं सबको ऐड करूं कितना आ जा रहा है, 4 + 1 5, और 9 14, और इसको ऐड करिए 16, कितना आ जा रहा है टोटल,
30 आ रहा है, कितना आ रहा है 30, सबको अगर ऐड कर दिया जाए 30 यूनिट अब आ रहा है। पहले कितना था 100 यूनिट प्राइस था, अब कितना प्राइस है 30 यूनिट, पहले 100 यूनिट, कितने की कमी आ गई, लिया है कि 70,000 रुपये का लॉस हुआ है, और यूनिट में कितने का लॉस हो रहा है 70 यूनिट। देखिए पहले 100 यूनिट प्राइस था, अब 30 यूनिट हो गया, तो यूनिट में लॉस हो रहा है 70, आंसर है ना। तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, दिया है कितने का लॉस है 70,000, 70,000 ही है ना। हाँ तो जरा बताइए 1 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,000। अगर 1 मिनट की वैल्यू 1,000 है तो आपका ओरिजिनल प्राइस कितना यूनिट है, कितना यूनिट आपका ओरिजिनल प्राइस है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1,000 से, 1 लाख रुपीज। ये जामिया का क्वेश्चन था, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम तो बताइए। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा बड़ा थोड़ी है, देखिए थोड़ा सा घुमा दिया कि भाई जो वेट का रेशियो ये है, पहले जो कितना हम निकाल लिए कि पहले का कॉस्ट क्या था, आपका कॉस्ट क्या है, सॉल्व कर लीजिए, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए आगे बताइए, ये भी देखिएगा, ये भी जामिया रेमी का क्वेश्चन किसी में से एक का है, ये लग जाएगा नहीं, जरा बताइए तो इसको बताइए, कौन सा नहीं समझ में आया, कौन सा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, 30 के बाद, 30 के बाद, 30 के बाद कहाँ चला गया, लिखता हूँ ये बताइए, 30 आ गया, 30 यूनिट प्राइस कब आता है, जब आप ब्रेक करके बेचते हैं तो 30 यूनिट प्राइस सिर्फ आ रहा है, अगर आप पहले जब मतलब ब्रेक नहीं था तो प्राइस था 100 यूनिट। तो अब बताइए, कह रहा है ना कि वेन द पीसेज वर सोल्ड, जब वो ब्रेक करके बेच रहा है तो बोल दिया है आपको 70,000 का लॉस हो गया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यूनिट में कितने का लॉस हुआ है, मैं बोला आपका यूनिट में कितने का लॉस हुआ था, बताएंगे कि यूनिट में लॉस हुआ 70 यूनिट का, 100 यूनिट था पहले अब आ 30 यूनिट, 70 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 70,000, 1 यूनिट की वैल्यू 1,000, 100 यूनिट ओरिजिनल प्राइस है, तो कितना हो जाएगा 1 लाख, 1 लाख रुपये ओरिजिनल था, ब्रेक करके बेच रहा था 30,000 का, सिर्फ का कितने का लॉस हो गया 70,000 का, ये तो बहुत आसान बात है। तब क्या अभी पहले और बता ले कौन सा नहीं आया है, सर क्वेश्चन तो वेट का होगा ना, नहीं वेट का, वेट का होगा प्राइस है, वेट का रेशियो दे रखा था, वेट का स्क्वायर का रेशियो में प्राइस है, इसको बताइए सभी लोग, इसको बता ले जाएंगे ना, 220 है, डिवाइड करना एबीसी के रेशियो में, ए का शेयर कितना दिया रखा है, देखिए यही सब पूछता है, जितना जो पढ़ाया गया है उससे बाहर मैंने आपको बोला है कुछ आने वाला नहीं है ना। अगर मैं यहाँ से ए बी का रेशियो निकालूं तो क्या आएगा 1:4, कह रहा है कि बी का शेयर जो 1/5 ऑफ सी है, तो बी का शेयर और बी और सी के में अगर मैं शेयर का रेशियो निकालूं 1/5 ऑफ सी यानी 1:5 है। तो आप ये बताइए कि रेशियो निकाल लीजिए सभी लोग ए बी सी का, ए बी सी का रेशियो निकाल लीजिए क्या आएगा, देखिए बी कॉमन है ना, इक्वल करिए, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कर लीजिए कितना जाएगा 4 1 4, तो ए तो 1 आएगा, बी आपका 4 है बिल्कुल, और सी देखिए कितना हो जाएगा 4 1 4, 4 5 25, 4 5 20, ये तो आप निकाल ले जाएंगे ए बी सी का रेशियो। आगे क्या करना है देखिए, अब टोटल कितना दे रखा है 120 दे रखा है, टोटल 120, यहाँ से टोटल कितना बन रहा है जरा बताइए, तो 25 यूनिट ना, तो 25 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 220, कोई बताएगा 1 की निकला है, निकाल लीजिए किससे पूछा है, ए का सिया, तो 1 यूनिट क्यों निकालिए, 1 यूनिट है भी ये, तो 1 यूनिट के निकालना है, 220 को डिवाइड करिए 25 से, तो 8.8 मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन, ये भी जामिया है, जामिया एमयू का है शायद, एमयू एमबीए इसी साल का है, इसी साल है 2020 का,
तो आप देख रहे हैं कि पेपर का लेवल क्या, आपको सब मालूम चल जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, मैं कराया था क्लास में, ये आग भी गया। ये जामिया का है, जामिया या फिर एमयू, दोनों में से किसी का है ना। सभी को पता है ना इसको क्या करना होता है, ए अपॉन डी, ए डी निकालना है, क्वेश्चन शीट में है, ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन डी, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ए है 3, बी पहला क्या है 5, ऊपर देखिए ऊपर क्या क्या आएगा, 3 × 5 × 11, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 4, 6, 9। क्या सिखाया था, ऐसा नंबर न्यूमरेटर में ढूंढिए जो नीचे वाले से ना कट रहा हो। कौन सा नंबर, सभी लोग बताइए मैसेज करके, कौन सा नंबर है 11, यानी 11 का मल्टीपल होगा, कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन, बिना लगाए यहीं से देख करके लगा दिया मैं, 3, 5, 11 देखा, नीचे आ रहा था 4, 6, 9। अरे ऐसे ही करते हैं ना, 3/4 × 5/6 × 11/9, तो 9 कहाँ कट रहा है, कहीं से नीचे कहीं 9 दिख रहा है, 11 कहाँ कट रहा है नीचे कहीं से, इसका मतलब 11 का मल्टीपल आना ही आना है, 11 का मल्टीपल दिख गया, आंसर ठीक कर दिया। तो देखिए जितना इस तरीके से हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए सॉल्व किया है, आप देख लीजिए जितने भी क्वेश्चन, चाहे जामिया में आए थे, एमयू में आए थे, सीमैट में जो भी क्वेश्चंस आए थे, तो जो रेशियो अभी तक पढ़ाया गया आप बताइए उससे ज्यादा पढ़ाने की क्या कोई जरूरत है, बताइए हैं, कुछ भी, सारी चीजें वही हैं। हाँ ये शीट शेयर कर देंगे, कोई जरूरत है नहीं, बिल्कुल। तो यही देखिए रेशियो आपका अभी तक जितना एमबीए का एग्जाम हुआ है, यही सारा टोटल रेशियो का क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन को देख करके, चाहे सीमैट हो, जामिया हो, एमयू हो, सीयूटी हो। अब आप बताइए, आप खुद सोचिए कि रेशियो में हमें कितना पढ़ना है, क्या लेवल है, सब जान जाएगी, अब सबको पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरह के हमने आज आज हम लोगों ने पीवाई को इस तरह से डिस्कस किया है। नेक्स्ट सेशन में कल हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। आप लोगों से सबसे ज्यादा, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग जा करके यूनिटरी मेथड देखिए, डिविजिबिलिटी देखिए, डीएस कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए कल, और रेशियो की इस पूरी क्लास को, जितना क्लास, जितनी भी क्लास मैंने कराया है उसको एक बार आप रिवाइज करिए अच्छे तरीके से, पीवाईक्यू को, सारे क्वेश्चन को देखिए, मेरे सोल्यूशन को देखिए, और जितना मैंने सीट में क्वेश्चन कराया है उतना ही करिए, उससे ज़्यादा कुछ मत करिए, बस पीवाईक्यू जितना मैंने कराया है रेशियो में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप पीवाईक्यू को देख करके आपको आइडिया लग भी गया होगा, ठीक है। सारे मैंने करा दिए, एमयू जामिया सब कंप्लीट है ना, ठीक। हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ।